इसमें मैं अपना मालिकाना हक ऐसे नहीं मांग रहा हूँ कि देश में समाज में विद्वेष पैदा करने के लिए हमने काशी का केस फाइल किया। बहुत बड़ी धार्मिक रिसर्च और वैल्यू है इस पे, और वो धार्मिक रिसर्च आपको साझा करना चाहता हूँ। सबसे पहले स्कंद पुराण का चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 58 वर्स नंबर 71, ये अभिमुक्त क्षेत्र को डिफाइन करता है और ये कहता है कि भगवान शिव ने इस नगरी को स्वयं बसाया है और ये 5 कोस का पूरा एरिया अभिमुक्त क्षेत्र है और जो यहाँ पे आता है मुक्ति उसको यहीं से मिलती है। तो ये काशी का रिलीजियस इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। इसके बाद स्कंद पुराण का चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 250 वर्स नंबर 131, ये भी यही बात कहता है कि अभिमुक्त क्षेत्र 5 कोस तक है। इसलिए हमने सिर्फ इस मंदिर की लड़ाई नहीं है, हम क्या हमने ये मांगा है कोर्ट में कि वो पूरा 5 कोस का एरिया अभिमुक्त क्षेत्र घोषित किया जाए। स्थान देवता की प्लीडिंग है, डिविनिटी की प्लीडिंग है, दिव्यता की प्लीडिंग है, और 60 के बाद से काशी का ये 5 कोस भगवान शिव ने स्वयं बसाया था। ये हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और उसके लिए हमारे वेद पुराण उसकी गवाही देते हैं। इसके आगे स्कंद पुराण का चैप्टर नंबर 16 पेज नंबर 242 वर्ष नंबर 25, जहाँ पे भगवान शिव ने ज्ञान दिया और सारी बातें कही, ये उसका प्रमाण है। इसके बाद आपका स्कंद पुराण का चैप्टर नंबर 99 पेज नंबर 923 वर्ष नंबर 9, जिसमें 5 कोस के महत्व को समझाया गया है। इसके बाद काशी रहस्य का चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 23 वर्ष नंबर 107, उसमें भगवान विष्णु ने काशी के बारे में क्या कहा है, उसके महत्व के बारे में क्या कहा है, मुक्ति के बारे में क्या कहा है, उसको समझाया गया है। शिव महापुराण के सारे श्लोक हैं। ये सब हमने इसकी रिसर्च लगाई कि ये काशी हिंदुओं के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, उसके लिए हमारी क्या बिलीफ फेथ और आस्था है और कब से चली आ रही है ये आस्था। ये नहीं है कि ये आस्था आज डेवलप हो गई है, ये आस्था समय के टाइम इमेमोरियल से, जब से सृष्टि का जन्म हुआ तब से वहां पे हमारी आस्था है। तो इसीलिए वहां पे किसी भी तरह की मस्जिद हो नहीं सकती है और ना वो कभी मस्जिद थी।